हे माँ, मेरा मनोरथ पूरा कर देना कि फिर मैं, हम जंगल जा रहे हैं 14 साल में, जाने क्या होगा। 3 जा रहे हैं, तीनों तुम्हारे दर्शन करें लौट के। पति देवर संग कुशल बहुरी, आई करो जही पूजा तोरी। सुनिसी अभिनय प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बरबानी। गंगा के जल से आवाज आई, सच्ची श्रद्धा होती है तो। सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। हे सीते, क्या तुम्हारा प्रभाव संसार जानता नहीं है? तुम्हारी दृष्टि पड़ जाए तो एक साधारण जीव लोकपाल बन जाता है। लोकप हो ही बिलोकत ते उतोरे, तू ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। तुम तो आदि शक्ति हो, तुम मुझे बढ़ाई दे रही हो। तुम जो हम ही बड़ी बिनब सुनाई, बिनय सुनाई, कृपा कीन मोहे दीन बढ़ाई। फिर भी मैं आशीर्वाद दूंगी, तदपि देवी मैं देवी आशीषा। सफल हो न हित निज बागीशा। अपनी वाणी सफल करने के लिए आशीर्वाद देती हूं। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोशला आए, लौटोगी तुम अयोध्या तीनों। पूज ही सब मन कामना, सुजस रही जग छाए। तो गोसाई जी इसीलिए प्रयाग सबसे पहले गए, त्रिवेणी में स्नान किया और वहाँ स्तुति किया गंगा यमुना सरस्वती की। हे माता, मैं आज से वैराग्य ले रहा हूँ, मेरी लज्जा तुम रखना। भगवान ही वेश की, व्रत की लज्जा रखते हैं। जीव में सामर्थ्य नहीं है, जब जीव प्रार्थना करता है दैन्य के साथ तो भगवान निर्वाह की शक्ति देते हैं। हम जैसे मूर्ख लोग सोचते हैं हम ही विरक्त बन गए, हमारे ही में शक्ति आई है। जीव में कहाँ शक्ति है? सूरदास जी ने भी कहा था, मैं तेरी शरण में आया हूं। हे गोपाल, मेरी शरण की लज्जा तू रख लेना, कहीं पथ भ्रष्ट न हो जाऊं। तेरी शरण में आया हूं, कहीं लड़ुआ दास, पेड़ा दास, अठन्नी चुवन्नी दास, मलमूत्र दास न बन जाऊं। प्रभु जी प्रभु, हम भले बुरे तो तेरे, अब तो हम तेरे बन गए हैं, भोगों के नहीं हैं, किसी के बेटा नहीं,
किसी के भाई नहीं, किसी के पति नहीं, कुछ नहीं, अब तेरे हैं एकमात्र। सब संबंध खत्म हो गए, ना कोई मां रहा ना बाप। प्रभु हम भले बुरे ढूंढते, तुम्हें हमारी लाज बनाई, हमारा व्रत तुम्हें निभाओ, हमारे व्रत की लज्जा जैसे ही सती स्त्री की व्रत की लज्जा उसी में होती है कि वो व्यभिचार न करे। वैसे जो शरण में आता है उसकी लज्जा या बड़ाई यही है कि उसकी भक्ति में व्यभिचार ना आवे, भोग नहीं आवे, रुपया पैसा ये सब नहीं आवे। इसलिए हे गोपाल तुम्हें हमारी लाज बनाई, तुम ही शक्ति दोगे तब मेरे व्रत की लज्जा बड़ाई चलेगी, नहीं गिर जाऊंगा। तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, विनती सुन प्रभु मेरे, जो हम भले जो हम भले बुरे होते, मैंने सब छोड़ दिए, संसार परिवार माता पिता सब छोड़ दिया, सब ताजी तब शरणागत आया, भगवान की शरण के लिए सभी संबंध सभी आसक्तियां बिल्कुल छोड़नी पड़ती हैं। सब तजी तब शरणागत आया, दृढ़ करी चरण गहेरे, दृढ़ता से तभी चरण पकड़ सकता है, नहीं कहीं चाचा जी बुला रहे हैं, कहीं चाची जी बुला रही हैं, कहीं ब्याह हो रहा है मौसी के छोरे का, कहीं बुआ जी के लड़की का ब्याह है, ये सब चक्कर चलता रहता है, ये सब जीव को खींच ले जाते हैं। इसलिए दृढ़ करी चरण गहेरे, सब तजी तब शरणागत आयो, जो हम भले बुरे जब तक संबंध संसार में रहता है दृढ़ता नहीं आ सकती है, खींच लेते हैं लोग। इसलिए दृढ़ शरणागति के लिए सब तज सब छोड़ना जरूरी होता है। गोस्वामी जी ने प्रार्थना किया
और वहाँ विरक्ति का वेश ले लिया। इसके बाद हुआ क्या, रत्नावली जी ने देखा कि वो ऊपर से उतर करके जाने कहाँ चले गए। उनको ये आशा नहीं थी कि ये सदा के लिए चले जाएंगे। बड़ा पश्चाताप हुआ क्योंकि सती थी। और इसका प्रमाण यह है कि सती जी रत्नावली ने 1589 आषाढ़ कृष्ण पक्ष दशमी दिन को शरीर छोड़ दिया तुलसीदास जी के विरह में। उनको बड़ी सती थी, उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। कि मुझे उपदेश देने का अधिकार ही नहीं है और वे चले गए। इस दुख में उन्होंने शरीर छोड़ दिया क्योंकि पता लगा सवेरे कि वे लौट करके राजापुर नहीं गए। लोगों ने ढूंढना ढाड़ना शुरू किया। पता लगा कि वे साधु बन गए। और इलाहाबाद ज्यादा दूर नहीं है राजापुर से, जमुना किनारे किनारे। लोग गए नहीं लौटे। विरह इतना बढ़ा कि जैसे दशरथ जी ने जब सुना कि राम नहीं लौटे, सुमंत्र ने आके बताया, जब तक सुमंत्र नहीं लौटे थे दशरथ जीवित रहे। न ही तृण चरहि न पियहि जल। अयोध्या कांड 142 में निषाद लौट करके आया तो देखा मंत्री विकल बिलोक निषादु, कहीं न जाए जस भयो विषादु। सुमंत्र पड़े हैं हाराम हाराम हा सीते हा लक्ष्मण पुकार रहे हैं धरती पर, इस तरह से गिर पड़े। राम राम सिय लखन पुकारी, परेउ धरन तल व्याकुल भारी। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख करके हिनाते हैं रो रहे हैं। दक्षिण की ओर गए थे राम, देखी दक्षिण दिशि हय ही नाई। जनो बिन पंख बिहग अकुलाही, जैसे किसी पक्षी के पंख कट गए हों और वो जैसे गिर पड़ा हो। नहीं तृण चरही न पिया ही जल, मोचही लोचन बारी। न्यार ने चारा नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहा है।
व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाज निहार। बहुत थोड़ा सा हमने सुनाया। सुमंत्र जब लौटे हैं तो रात के अंधेरे में अयोध्या में लौटे हैं कि अयोध्या वाले पूछेंगे कि क्या राम लौटे तो मैं क्या कहूँगा, चोर की तरह। और दशरथ जी के पास जब गए हैं, दशरथ ने कहा सुमंत्र लाओ मेरे राम को लाओ। सुमंत्र नीचा सिर किए कुछ नहीं बोल रहे हैं। दशरथ जी समझ गए, बोले अब जी के क्या करेंगे, ये चौपाई हम बचपन में गाते थे, ये चौपाई हम जहां जाते थे कीर्तन करने 40 मील दूर रोज गाड़ी से ट्रेन से, वो महाबली जी थे वो इसको बहुत गाते थे। आखिर में दशरथ जी ने राम राम कहीं राम कहीं राम राम कही राम, दोहा 155। तन परिहारे रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। चले गए। रत्नावली जी का ऐसा ही प्रेम था, जैसे सुना कि वो नहीं लौटेंगे विरक्त संत बन गए हैं। बोले अब मेरे जीवन का कोई यहां लाभ नहीं है, शरीर छोड़ दिया। उन्होंने जो शरीर छोड़ा है संवत 1589 आषाढ़ कृष्ण पक्ष दशमी बुधवार के दिन शरीर छोड़ दिया, सती थी। माता पार्वती ने इसीलिए ब्याह करवाया था, ये कोई दिव्य उनकी शक्ति थी, जाओ तुम तुलसीदास को जगा करके यहां आ जाना, इतने दिन के लिए वे संसार में आई थी। तुलसीदास जी को जगाने के बाद चली गई। इस तरह से रत्नावली जी संसार छोड़ गई, तुलसीदास जी प्रयाग में साधु वेश बना करके आगे अपनी यात्रा शुरू करेंगे।